हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। तो हमारे बेस्ट वन लाइनर क्वेश्चंस ऑफ एग्रीकल्चर के सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। तो आई होप फर्स्ट लेक्चर आपने देख लिया होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको हेल्पफुल होगा, और आई होप कि ये लेक्चर भी आपके लिए वैसा ही रहेगा, आपके लिए और भी अच्छा लगेगा आपको। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर कोई डाउट हो आपका लेक्चर के रिगार्डिंग तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वन लाइनर वाले, तो इसमें हम एंटोमोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पूरे। ओके, तो देखते हैं, हमारा उसी सीरीज में ये आगे कंटिन्यू रहेगा। तो क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हमने किए थे फर्स्ट वीडियो में, अभी 26 करने जा रहे हैं। 26 क्वेश्चन, वेक्टर ऑफ राइस टुंगरू डिसीज इज, राइस टुंगरू डिसीज जो है उसको वो फैलाने वाला वेक्टर कौन सा है, ठीक है, कौन फैलाता है उसको। तो ऑप्शन है, जो आंसर है इसका हमारा ग्रीन लीफ हॉपर। ओके, ग्रीन लीफ हॉपर, इसकी साइंटिफिक नेम है नेफोटेडिक्स विरिसेंस, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा नहीं जाइए, याद होना चाहिए आपको, ओके, ताकि आप एग्ज़ाम में मार्क कर सकें। तो इसका नेफोटेटिक्स वेरिएशन साइंटिफिक नेम है ग्रीन लीफ हॉपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मोनोफेगस पेस्ट ऑफ राइस इज, तो राइस का मोनोफेगस पेस्ट कौन है, जो कौन सा है जो सिर्फ राइस पे अटैक करता है, उसको मोनोफेगस पेस्ट बोलेंगे राइस का। तो दैट इज स्टेम बोर, राइस स्टेम बोर। तो राइस स्टेम बोर का साइंटिफिक नेम है स्नैफेलोक्रोसिस मेडिनेलिस, स्नैफेलोक्रोसिस मेडिनेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ट्राइकोग्रामा इज एन, तो ट्राइकोग्रामा क्या है, दैट इज एन एग पैरासाइटोइड, एग पैरासाइटोइड है। तो ये क्या करता है कि ट्राइकोग्रामा जब हम यूज करते हैं तो इसके जो ट्राइकोग्रामा है वो हमारा जो भी टारगेट पेस्ट होता है, टारगेटेड पेस्ट है, उसके एग्स में ये अपने एग्स दे देता है। ओके, तो वहाँ से, और जो ट्राइकोग्रामा के एग्स हैं वो पेस्ट के एग्स से पहले हैच कर जाते हैं। ओके, हैच कर जाते हैं तो उसके जो यंग बर्न होंगे फिर वो पेस्ट के एग्स पे फीड करते हैं। तो इस तरह से उसका पेस्ट का हम कंट्रोल कर लेते हैं, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है इसको बोलेंगे। ओके, तो ट्राइकोग्रामा हमारा एक है एग पैरासाइट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सिल्वर शूट एंड अनियन लीव आर सिम्टम कॉज बाय, तो कौन सा पेस्ट है जो ये सिम्टम कॉज करता है इन राइस, दैट इज राइस गॉल मिर्च। तो राइस गॉल मिर्च ये सिम्टम क्रिएट करते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम की बात करें राइस गॉल मिर्च के, दैट इज ऑरिसियोलिया ओराइजा, ऑरिसियोलिया ओराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, वेक्टर ऑफ ग्रासी स्टंट डिसीजेज, तो ग्रासी स्टंट जो राइस का डिसीज है उसका वेक्टर कौन कौन है, कौन फैलाता है उसको। तो आंसर है इसका ब्राउन प्लांट हॉपर, BPH। BPH की का जो हमारा साइंटिफिक नेम है दैट इज नीला पर्वता लूगन्स, नीला पर्वता लूगन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच पेस्ट ऑफ राइस अटैक एट मिल्की स्टेज ऑफ राइस, तो मिल्की स्टेज जो है राइस की, ओके, तो उस स्टेज पे कौन सा पेस्ट है जो क्रॉप को अटैक करता है। तो इसका आंसर आएगा गंदी बग, गंदी बग। तो इसका साइंटिफिक नेम है लेप्टोकोरिजा ओराइजा, ओके, लेप्टोकोरिजा ओराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, वेक्टर ऑफ कॉटन लीफ कर्ल वायरस, तो कॉटन का जो लीफ कर्ल वायरस वायरस है उसका वेक्टर कौन सा है, कौन फैलाता है उसको। तो इसका आंसर है हमारा वाइट फ्लाई। तो कॉटन की वाइट फ्लाई का अगर साइंटिफिक नेम की बात करें दैट इज गमीसिया थैलासाइट, गमीसिया थैलासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, बंची टॉप अपीयरेंस इन शुगर केन इज ड्यू टू, तो शुगर केन में बंची टॉप अपीयरेंस किस पेस्ट की वजह से होते हैं, किस पेस्ट का जो है एक जो मेन जो है सिम्टम है उसके अटैक का। तो इसका आंसर आएगा हमारा शुगर केन टॉप बोरर, शुगर केन टॉप बोरर जो है बंची टॉप करता है इसके। और इसके अलावा एक एक और सिम्टम है दैट इज शॉर्ट होल, तो लीव पे शॉर्ट होल देखेंगे हमें। ओके, टॉप बोरर का अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो टॉप बोरर का साइंटिफिक नेम है स्कर्पोफेगा निवेला, स्कर्पोफेगा निवेला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ईयर कॉकल ऑफ वीट इज ड्यू टू, तो वीट का ईयर कॉकल डिसीज जो है कौन करता है। तो आंसर इसका हमारा आएगा एंग्यूना ट्रिटिसाई, एंग्यूना ट्रिटिसाई एक निमाटोड है, तो निमाटोड करता है हमारा ईयर कॉकल डिसीज ऑफ वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, डबल सीड फॉर्मेशन इन कॉटन इज ड्यू टू, तो डबल सीड फॉर्मेशन किस पेस्ट के अटैक का सिम्टम है।
ओके, तो ये बिल्कुल मेन सिम्टम है, ठीक है। अगर कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं तो इनके जो मेजर सिम्टम है वही हम कर रहे हैं, तो इसी में से 90% चांस है कि आपका क्वेश्चन आएगा। ओके, तो इसका आंसर आएगा डबल सी फॉर्मेशन का, दैट इज पिंक बॉल वॉर्म। पिंक बॉल वॉर्म, पिंक बॉल वॉर्म के साइंटिफिक नेम की बात करें दैट इज पेक्टिनोपोरा गॉसिपियला। तो तीनों बॉल वॉर्म का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तो इसी वीडियो में हम तीनों कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, फ्लेयर्ड अप स्क्वेयर्स इन कॉटन इज ड्यू टू। तो कौन सा पेस्ट है जिसका सिम्टम है, मेन सिम्टम है फ्लेयर्ड अप स्क्वेयर्स। ओके, तो इसका आंसर आएगा हमारा स्पॉटेड बॉल वॉर्म। स्पॉटेड बॉल वॉर्म, स्पॉटेड बॉल वॉर्म के साइंटिफिक नेम की बात करें दैट इज हैरिस विटाला। ओके, हैरिस विटेला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो इसका आंसर आएगा हमारा हैदराबाद में। ओके, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड फॉर हनी बीज। तो हनी बीज जो है, हमारी मधुमक्खी जो है, उसके लिए सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड किसको माना गया है, कौन से इंसेक्टिसाइड को माना गया है, तो इसका आंसर है एंडोसल्फान। एंडोसल्फान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, पेस्ट पॉपुलेशन शुड बी कैप्ट लो। पेस्ट पॉपुलेशन को हमें किस लेवल से नीचे रखना चाहिए ताकि हमारे क्रॉप को कोई नुकसान ना हो और कोई भी इकोनॉमिक लॉस ना हो हमारा, तो इसका आंसर आएगा दैट इज ETL। ETL होता है हमारा इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है। ओके, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। क्वेश्चन नंबर 40, लार्ज सर्कुलर बोर होल्स विद फिकल पैलेट्स इज द सिम्टम ऑफ। तो कौन से पेस्ट का जो है ये मेन फीचर है, मेन सिम्टम है, दैट इज लार्ज सर्कुलर बोर होल्स विथ फीकल पैलेट्स। तो बोर होल्स होंगे उसके अंदर फीकल पैलेट जो है भरे हुए होंगे, तो आंसर इसका है अमेरिकन बॉलवर्म। कॉटन पे अटैक करता है ये अमेरिकन बॉलवर्म। तो सबसे बेस्ट तो ये जो है पॉलीफेगस पेस्ट है, लेकिन कॉटन पे जब अटैक कर रहा है तो उसको हम अमेरिकन बॉलवर्म बोलते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो आपको पता ही होगा वैसे, जो बहुत फेमस है ये, हेलिकोबर्पा आर्मीजेगा। ओके, हेलिकोबर्पा आर्मीजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीपा बोल देते हैं, DIPA। पास्ड इन, तो कब पास हुआ था डीपा एक्ट जो है, तो इसका आंसर आएगा 1914, 1914 में पास हुआ था हमारा डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, द पेस्ट डेंसिटी एट विच कंट्रोल मेजर शुड बी अप्लाइड टू प्रिवेंट एन इंक्रीजिंग पेस्ट पॉपुलेशन इज नोन एज। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है हमारे पास, तो किस चीज़ की डेफिनेशन है, कि यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जब पेस्ट की पॉपुलेशन जो है, पेस्ट डेंसिटी जो है, उसको किस लेवल से हमें नीचे रखने के लिए, ओके, तो उस पर कंट्रोल मेजर हमें अप्लाई कर देने चाहिए। अगर उस लेवल से ऊपर जा रही है तो हमें कंट्रोल मेजर अप्लाई करने की, तो इसका आंसर हमारा आएगा ETL, दैट इज इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। तो सेम देखिए, सेम आंसर के दो क्वेश्चन बन गए हैं। ओके, तो पहले हमने किया था जो पेस्ट पॉपुलेशन जो है किस लेवल से नीचे रखनी चाहिए, वो भी ETL था, और पेस्ट पॉपुलेशन किस लेवल पे अगर पहुंच जाए जहाँ पे हमें कंट्रोल मेजर्स यूज़ करने पड़े, तो उसका आंसर भी हमारा ETL ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ऑथर ऑफ द बुक साइलेंट स्प्रिंग। तो साइलेंट स्प्रिंग बुक जो है किसने लिखी थी, तो इनका आंसर आएगा दैट इज रैचल कार्सन। रैचल कार्सन, तो इसमें जो है इंसेक्टिसाइड्स का जो हार्मफुल इम्पैक्ट दिखाया गया है, बताया गया है ऑन एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द पेस्ट विच अकर्स फ्रिक्वेंटली ऑन स्पेसिफिक सीजनल क्रॉप्स इज नोन एज। तो कौन सा पेस्ट है जो स्पेसिफिक सीजनल, किसी एक सीजनल क्रॉप पे आएगा, लेकिन वो फ्रिक्वेंटली आएगा, हर साल आएगा। ओके, लेकिन वो इसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो क्रॉप को बहुत ज़्यादा कोई हार्म करे, वो हर साल आएगा। ओके, प्रेजेंट जरूर होगा उस क्रॉप पे, तो इसका आंसर आएगा हमारा रेगुलर पेस्ट, तो उस पेस्ट को हम रेगुलर पेस्ट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इंसेक्टिसाइड एक्ट वाज पास इन द ईयर। तो पहले हमने किया था डी पार्ट, वो था डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, वो आया था 1914 में। अभी हम देख रहे हैं इंसेक्टिसाइड एक्ट। ओके, इंसेक्टिसाइड एक्ट आया था हमारा 1968 में। ओके, 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46,
दी करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सीड ट्रीटमेंट। तो सीड ट्रीटमेंट जब हम कर रहे हैं किसी भी क्रॉप में, तो उसके लिए हमें कौन सा सीक्वेंस में करना चाहिए, पहले क्या अप्लाई करना, उसके बाद क्या करना और उसके बाद क्या करना। तो इसका आंसर आएगा हमारा FIR। तो इसको हम FIR के शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे, दैट इज पहले हमें फंजीसाइड अप्लाई करना है, फिर हम इंसेक्टीसाइड अप्लाई करेंगे, लास्ट में राइजोबियम कल्चर। ओके, तो FIR आप याद रखिएगा सीड ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी इज। तो इंसेक्ट फिजियोलॉजी के फादर कौन है, किसको माना जाता है, दैट इज विगल्सवॉर्थ। तो विगल्सवॉर्थ को हम मानते हैं फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, येलोइंग एंड डाउनवर्ड रोलिंग एंड कपिंग ऑफ लीव इज ड्यू टू। तो डाउनवर्ड रोलिंग हो रही है, येलोइंग हो रही है, कपिंग हो रही है, तो ये कौन से इंसेक्ट के डैमेजिंग सिम्टम हैं। तो इसका आंसर आएगा हमारा कॉटन जैसेट। ओके, कॉटन जैसेट, कॉटन जैसेट के साइंटिफिक नेम की बात करें, दैट इज अमरस्का विगुटोला विगुटोला, अमरस्का विगुटोला विगुटोला, ये कॉटन का जैसेट है, उसका साइंटिफिक नेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच इंसेक्ट पेस्ट इज नोन एज लिंट स्टेनर। लिंट स्टेनर किसको बोलेंगे हम, तो लिंट जो है होती है हमारी कॉटन में होती है। ओके, और उसको जब स्टेन कर रहा है कोई इंसेक्ट पेस्ट, ओके, तो उसको हम लिंट स्टेनर बोलेंगे। तो कौन कौन से इंसेक्ट हैं जो लिंट स्टेनर हैं, दैट इज रेड कॉटन बग एंड डस्की कॉटन बग। तो ये दोनों इंसेक्ट हैं जिसको हम लिंट स्टेनर बोलते हैं। यहाँ पे इनके अगर साइंटिफिक नेम की बात करें, तो रेड कॉटन बग का जो साइंटिफिक नेम है, दैट इज डिस्टर्गस कोइनिबी। ओके, डिस्टर्गस कोइनिबी। एंड डस्की कॉटन बग की बात करें, तो उसका साइंटिफिक नेम है ऑक्सीकेरेनस हेयरिनी पेनिस। ओके, ऑक्सीकेरेनस हेयरिनी पेनिस, और इसका दूसरा स्पीसीज है, तो ये वाला जो स्पीसीज है ये हमारा जनरली मिलता है हमारा साउथ इंडिया के एरिया में। ओके, और जो नॉर्थ इंडिया साइड में जो इसकी स्पीसीज मिलती है, तो उसका नाम है ऑक्सीकेरेनस लैटस। ओके, तो यस, एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, बट आपको ऑक्सीकेरेनस याद रखना है, उसी से आपका काम हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी के क्वेश्चन थे, पार्ट नंबर 2 था हमारा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कोई भी आपका डाउट हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का, और PDF चाहिए जाएंगे तो वो भी आपको वहीं पे मिलेगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।